वेलकम टू एवरीबॉडी, एक और न्यू वीडियो के साथ जेनेक्स स्टूडियो के चैनल में हाजिर हैं हम। तो आज हम ये फ़ोटो हमारे सामने है तो हम इसको बैकग्राउंड की कलरिंग करेंगे और फेस को थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। आज हम आपको शॉट जो शॉट किया वो आज हम आपको बताएंगे। तो हमने ये ओपन कर लिया है कैमरा रो 7.4। तो हम इस फ़ोटो की कलर ग्रेडिंग करेंगे तो ये कैसे होगी तो आज हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर बताएंगे। तो आपने क्या करना, सबसे पहले जो एक्सपोजर है उसको थोड़ा सा माइनस करके इसको थोड़ा सा हाई ले जाना है। तो ये थोड़ी सी इसको माइनस करना नहीं, इसको उठा लेना है, प्लस में ले जाना है। तो हाईलाइट को मेरा ख्याल थोड़ा सा उठा ले, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इस शेडो को थोड़ा सा उठा लेना, ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा उठा लेना। तो ये वाइट बैलेंस को थोड़ा सा कम कर दे क्योंकि इसमें वाइट बहुत ही ज़्यादा है। तो ये ब्लैक को थोड़ा सा उठा ले, ज़्यादा नहीं। तो इसके बाद ये जाना है अपने चौथे वाले ऑप्शन पे। चौथे वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने ह्यू पे जाना है। ह्यू के जाने के बाद आपने इसको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद ये जो बैकग्राउंड है आपने इसकी तरफ गौर करना है। तो ये हमने येलो को ले गए आगे, तो इसको जो जो ग्रीन है इसको भी हम ले जाते हैं प्लस में, ठीक है। हमने ये डिफरेंट करना है, एक जैसा तो बैकग्राउंड नहीं होता। तो आपको भी पता है लोग मांगते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मांगते हैं। तो अब हम जाएंगे दूसरे वाले ऑप्शन में, तो इसको येलो को थोड़ा सा उठा लेंगे। ये देखिए बैकग्राउंड की कलरिंग कितनी प्यारी हो चुकी है। तो ये आगे ग्रीन आ चुका है, इसको भी हम थोड़ा सा उठा लेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे ब्लू को उठा लेंगे, लेकिन इसमें ब्लू वाली कोई चीज़ है ही नहीं। जब ब्लू होगा तो फिर ही ब्लू को आगे पीछे करेंगे, ठीक है। तो ये आगे आ चुकी है ये। तो इसके बाद हम जाएंगे तीसरे वाले ऑप्शन में, इसको हम थोड़ा सा हाई कर लेंगे। तो ये जो ग्रीन है इसको भी थोड़ा सा हाई कर लेंगे। ये देखे, ये फ़ोटो की लुक बन चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे अडोब फोटोशॉप CS6 में। तो CS6 में करने के बाद हम ये F को दबाएंगे, ये फ़ोटो इस तरह ओपन हो जाएगी। तो अब हमने कंट्रोल जैसे लेयर बनाएंगे। लेयर बनाने के बाद हम फेस को थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। ये फ़ोटो के पिक्सल ख़राब हो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा वैसा मसला नहीं। जब आप इसको स्मूथ करेंगे तो ये फ़ोटो गुजारे लायक हो जाएगी। तो भाई ये वीडियो का मुझे एक भाई है इस्लामाबाद से, उन्होंने स्पेशल कॉल कर ये फ़ोटो सेंड किया है। वो कह रहे थे ये फ़ोटो को आपने एडिट करनी है, तो मैंने ये फ़ोटो की प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप फ़ोटो सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको एडिट करके भेज देता हूँ। तो ये हमने वीडियो बना दी है। तो भाई जो लोग ऑनलाइन एडिटिंग करवाना चाहते हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लो रेट में उसको एडिट करके देंगे, बहुत ही अच्छे वाली प्रोफेशनल एडिटिंग। तो जो भाई एडिटिंग करवाना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, उसमें आप फ़ोटो को सेंड कर दीजिएगा। तो आपकी फ़ोटो 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये हो चुकी है फेस की स्मूथिंग, इतनी ज़्यादा नहीं मैंने की, बिल्कुल मैंने नॉर्मल किया क्योंकि ये फ़ोटो के पिक्सल भी ख़राब हो रहे थे। तो भाई जो बंदा फ़ोटो सेंड करना चाहता है वो डॉक्यूमेंट में सेंड कर दीजिएगा या वो जीमेल मेरी ले ले, आपको नीचे लिखी हुई है जेनेक्स स्टूडियो के जीमेल, आप वहाँ भी फ़ोटो को सेंड कर सकते हैं। तो ये होगी फेस की स्मूथिंग। तो अब हम इसको थोड़ा सा इफ़ेक्ट लगाएंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है, तो आप भी ये लाजमी गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आपने इसको ओपन कर लेना है। तो आपने ये सबसे ऊपर वाले पे जाना है, इसको ओके करके इसको फ़ोटो में ले जाना है इफ़ेक्ट को, ठीक है। इसमें जाना है तो इसको स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद आपने इसको यहाँ से लगा दे, ये फ़ोटो की लुक बना देता है, ठीक है। ये सिंपल सा हमने यहाँ लगा दिया। अगर आप इस इफ़ेक्ट के कलर चेंज करना चाहते हैं आपने कंट्रोल यू पे जाना है। कंट्रोल यू के जाने के बाद इसको आप थोड़ा सा हाई एंड लो कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। तो ये फ़ोटो के हिसाब से ये बेस्ट है। तो हम इसको थोड़ा सा लाइट कर देंगे, इतना ज़्यादा नहीं डार्क करेंगे, थोड़ा सा लाइट कर देंगे, ये फ़ोटो की लुक बन गई है, ठीक है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। तो आप लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।